पाकिस्तान भारत में आतंक और अविश्वास फैलाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा हुआ है। जी हाँ, सो इंडियन आर्मी ने जिस तरह से सीमा पर पाकिस्तानी आतंकवादियों पर लगाम कसी है, उसके बाद से पाकिस्तान इंटरनेट के जरिए भारत में दहशत फैलाने की कोशिश में जुटा हुआ है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ रेशम, आप देख रहे हैं DNP इंडिया पे, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को देखते हुए भारत ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम 2 समाचार वेबसाइट और 20 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिसके जरिए पाकिस्तान भारत में झूठी खबरें और अफवाह फैलाता था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए यूट्यूब को लिखित रूप में आदेश जारी किए हैं। सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी एजेंडा फैलाने वालों पर सरकार अब सख्त रुख अपनाने लगी है। इंटरनेट मीडिया यानी सोशल मीडिया को लेकर एक और जहां मल्टीनेशनल कंपनियां सख्त नियम बना रही हैं, वहीं कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जो सरकार के पास ऐसी जानकारी है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में बैठे कुछ शातिर यूट्यूब के जरिए भारत विरोधी और झूठी खबरें फैलाने का काम कर रहे हैं और उसमें जुटे हुए हैं। जो खबर है कि नया पाकिस्तान ग्रुप, जिसके 15 यूट्यूब चैनल हैं और ये सभी भारत पर केंद्रित हैं, इन सभी यूट्यूब चैनल पर भारत विरोधी खबरें प्रसारित की जाती है। ये सभी चैनल खबरों की आड़ में दुनिया के सामने भारत की छवि खराब करने और झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। इस झूठ को सच की तरह दिखाने के लिए कुछ चैनल ने पाकिस्तानी एंकर को भी अपनी टीम का हिस्सा बना लिया है, और ये सभी पाकिस्तानी एंकर वहां के कई बड़े न्यूज चैनलों में काम भी करते हैं। दैट्स एक्चुअली शॉकिंग, जहां इन एंकर का मकसद झूठों को सच साबित कर दुनिया के सामने पेश करना है। सूत्रों ने कहा है कि इन चैनल पर प्रसारित वीडियो और फोटोग्राफिक सामग्री में जिस तरह के दावे शामिल हैं, उसमें पीएम मोदी इम्पोज इमरजेंसी, अनुच्छेद 370 फिर से बेहाल, तालिबान सेना और भारत के रिश्ते जैसे कई झूठे दावे किए गए हैं। इस तरह के दावे कर भारत में अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो सरकार की ओर से हटाए जाने के लिए जिन पोर्टल्स की पहचान की गई है, उसमें नया पाकिस्तान समूह शामिल है, जो यूट्यूब पर 15 से अधिक चैनल चलाता है और इसके साथ एक मिलियन से अधिक लोग इससे जुड़े भी हुए हैं। जी हाँ, जब मैं आपको बता दूं कि पूरी पड़ताल और ठोस सबूत जुटाने के बाद ही सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है और यूट्यूब को तत्काल इसे ब्लॉक करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। वेल, पाकिस्तान का ये ग्रुप कब ये हेट्रेड फैलाना बंद करेगा, कब इंडिया को टारगेट करना बंद करेगा, कब अपनी खुद की कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, ना किसी को नीचा दिखाने में। जी हाँ, थिंक अबाउट इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव योर इनसाइट्स अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, देयर माइंडसेट अबाउट दिस टॉपिक इन द कमेंट्स डाउन बिलो। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू DNP इंडिया। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कीप लविंग अस, कीप शावरिंग यू लव, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग DNP इंडिया।